यो व्हाट्स अप गाइस, के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल टीएस लेजेंड। तो गाइस आज मैं आपको एक कस्टम का क्लिक आज मैं आपको कस्टम की यानी कि एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने और एक मेरा दोस्त लकी किंग ने कस्टम किया था, और उसमें हमने ओनली डेजर्ट ईगल का ओनली वन टच चैलेंज किया था। तो क्लिप दिखाने से पहले प्लीज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो को कर देना। तो चलिए अब मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ भी लोडिंग हो रही है, एंड ये यानी कि मैंने वैसे स्क्रीन रिकॉर्डर से नहीं किया था, वैसे फ्री फायर के रिकॉर्डर से किया है, तो तभी ऐसे देखना पड़ रहा है। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हो गया स्टार्ट। एंड गाइस यहाँ पहला राउंड में विक्ट्री कर लेता हूँ, तो अब चलिए नेक्स्ट राउंड में ओनली डेजर्ट ईगल चैलेंज है, तो सिर्फ हम लोग डेजर्ट ईगल ही लिए हुए। तो चलिए और ये थोड़ा सा राउंड लंबा है, तो अभी यानी कि मैं अभी गिलोल ये सब थोड़ा सा ये शायद लंबा जाता है। गाइस यहाँ मेरी फिर से एक और विक्ट्री हो जाती है, और मेरे हो जाते हैं दो और ओपोनेंट के होते हैं जीरो। तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट राउंड में देखते हैं अब क्या हुआ। वैसे मेरे तीन हो चुके हैं, नहीं अरे हाँ होंगे सॉरी। तो यहाँ मेरे ECET का सोनी डेजर्ट ईगल चैलेंज है। ECET मैंने सिर्फ नॉर्मल वैसे ली थी, मेरा मतलब ऐसे पीछे रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा लगता है जब मेरे गन कोई पीछे होती है, अब वो मुझे भी नहीं पता क्यों, बट अच्छा लगता है बस। एंड गाइस यहाँ लकी किंग के हो जाते हैं एक राउंड में एक हो जाते हैं, एंड मेरे हैं तो चलिए अब फिर से नेक्स्ट राउंड में देखते हैं क्या होगा। और गाइस ये सब में ना मिस्टेक करके में रिकॉर्ड हुआ था, वो कैसे क्या देखें। मैंने ना अभी कुछ पहले एक कस्टम किया था 1v3, उसमें ना मैंने क्या किया था रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, तो उससे क्या हुआ मैं ऑफ करना भूल गया, और उससे ये भी हो गया, वरना मैं शायद नहीं दिखा पाता। तो चलिए अब देखते हैं इस राउंड में क्या होता है। गाइस यहाँ भी मैं एक राउंड जीत जाता हूँ, और ये सन में ना अभी जैसे स्पेक्टेड में आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा मैंने चीटिंग की है, वरना ऐसा मैं आपको भी ठीक बता दूँ, देखो हुआ क्या था।
उसने जैसे हेड बनाना शुरू की ना, मैंने वैसी गन चला दी और मार दिया हेड। अब ना मेरे यहाँ क्या हुआ, यानी कि जो दिखा कि ना उसने जैसे हेड बनाई मैंने मारा, और उससे पहले तो वो बना ही गया था, वो बैठ रहा था, तो उसके आगे मैंने मार दिया। लेकिन अभी कस्टम में वैसा लग रहा है, और अभी आप फिर से देख सकते हैं मैंने कितना ख़तरनाक हेड और मार दिया, और ये तो आपने देखा ही होगा कैसा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। तो अब मेरे चार और उसके एक हो चुके हैं, और इसमें अब देखते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि अगर उसके पॉइंट हो गए तो ठीक है, अब मुझे एक ही पॉइंट जीतने के लिए चाहिए होता है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये गाइस मैं पता नहीं किसी उसके ऐसे कर रहा था, मेरे हेड वेड अभी लगने बहुत कम हो रहे थे, तो पता नहीं ये मैं क्यों कर रहा था वैसे, बट चलो बस कर रहा हूँ। एंड शायद ये वाले पीरियड में कहीं हार जाता हूँ, शायद नहीं, शायद जीतता हूँ, एक मिनट, हाँ यस शायद जीत जाता हूँ। तो चलें देखते हैं, एंड यहाँ से मैं नीचे गया, नीचे हाँ यहाँ थोड़ा सा ना वो कर दूँ, मैं से फंसा भी देता हूँ ग्लोअर में, और इसमें भी ना बहुत गंदा वन टैप लगता है, जैसे अभी मेरे चार जब हुए तो जो लगाता ना वैसे इसमें भी बहुत खतरनाक लगता है। अभी अब आप देखिएगा, ये देखें मैंने यहाँ ग्लोअर लगा दिया, मुझे पता ही वहाँ से आएगा, एंड यहाँ से गाइस मैच हमारा ओवर होता है, और इसमें आपने देख लिया बुया मेरी होगी, लेकिन ये उसका भी गेम प्ले अच्छा है, लेकिन अभी देखे जैसे मैंने हेड में मार लिया, बट उसका भी गेम प्ले अच्छा है, एंड वो यानी कि मेरा दोस्त लकी किंग है। तो गाइस मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में, एक मिनट, हाँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।